एंजल और डिमनोलॉजी में हमारे नेक्स्ट इविल फिगर है एशरट्रॉथ, जिसे उसके दूसरे नाम क्राउन प्रिंस ऑफ जिनिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसी डेमोनिक फिगर को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रेट ड्यूक ऑफ हेल, क्राउन प्रिंस ऑफ जिनिस्तान, डेमोनाइज डेटी, ईटर ऑफ सोल्स, ये सभी टाइटल्स एशरट्रॉथ को दिए गए हैं, जो कि हेल के इन्फर्नल काउंसिल का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डीमन है। आज गोइटिया में एशरट्रॉथ को 29th प्लेस दिया गया है, जिसे एक्सेप्शनली 4 पावरफुल डीमन्स आमोन, बारबाटोस, राशवीरक और प्रफुल्लास असिस्ट करते हैं। इस डीमन को वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक डीमन्स में गिना जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस है। अकॉर्डिंग टू जूडियक लोर, एशरट्रॉथ एक ग्रैंड ड्यूक और ट्रेजर ऑफ हेल है, जो 40 लीजेंस ऑफ डीमंस को कमांड करता है। वैसे तो एशरट्रॉथ एक्सीलेंट मैनिपुलेशन और करप्शन एबिलिटी रखता है, पर फिर भी वो अपनी प्रेजेंस से ह्यूमैनिटी को लेस थ्रेट करता है। जो कोई भी एशरट्रॉथ को समन करता है, उसे इस डेडली क्रिएचर से गैप मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो डेडली स्मेल को रिलीज करता है, जिसे झेलना आम इंसान की बस की बात नहीं। उसे समन करने वाला वर्शिपर्स उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उससे जुड़ा कोई भी सीक्रेट जान सकता है, जिस कारण उसे वन ऑफ दी इनकार्नेशन ऑफ डेथ की तरह भी देखा जाता है। एशरट्रॉथ को ड्रैगन के हैंड, फीट और विंग्स के साथ नेक्ड मैन की तरह दिखाया जाता है, जो हाथ में सांप लिए, क्राउन पहने, सेकेंडरी पेयर ऑफ एंजल विंग्स के साथ वुल्फ को राइड करते हुए अपीयर होता है। एशरट्रॉथ से जुड़े सभी टेक्स्ट उसे एक रेस्ट एंजल की तरह डिपिक्ट करते हैं। कुछ जगह एशरट्रॉथ को हॉर्न विंग और ग्लूमी नेचर के साथ दिखाया जाता है, और कई जगह वो कलर टेल सर्पेंट, टू स्मॉल फीट और एक चेस्टनट नेक और हेजहॉग स्पाइन के साथ अपीयर होता है। एशरट्रॉथ को इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल और बिजनेस कनेक्शन डेवलप करने के लिए ग्रेट मेंटर की तरह देखा जाता है, जो वर्शिप किए जाने पर अपने वर्शिपर्स को बहुत अच्छे से गाइड करता है। अकॉर्डिंग टू मैनी लेजेंड्स, एशरट्रॉथ बोथ ह्यूमंस और डीमंस के लिए एक काउंसिल की तरह काम करता है, जो ह्यूमंस के अफेयर्स में उन्हें गाइडेंस और प्रेफरेंस देता है। एशरट्रॉथ के बारे में कहा जाता है कि वो इविल ट्रिनिटी का पार्ट होने के बावजूद सिर्फ उन लोगों की मदद करता है, जो उसके पास गुड डीड्स को पूरा करने की इंटेंशन से आते हैं। इल इंटेंशन वाले लोगों को एशरट्रॉथ पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। एशरट्रॉथ ओरिजिनली गॉडेस एस्टार्टे है, और जो कोई भी पहले गॉडेस को रिकॉग्नाइज करता है, उसे ही एशरट्रॉथ अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वरना नहीं। एशरट्रॉथ अपने वर्शिपर्स को अपनी लेजीनेस और वैनिटी से सेड्यूस कर सकता है, उन्हें मैथमेटिकल साइंस और हैंडीक्राफ्ट की टीचिंग प्रोवाइड कर सकता है, हिडन ट्रेजर के बारे में बता सकता है, मैन को इनविजिबल कर सकता है और उन्हें सर्पेंट के ऊपर पावर ग्रांट कर सकता है। मोस्टली एशरट्रॉथ को उसकी फॉल्स स्मेलिंग ब्रेथ के लिए भी जाना जाता है, जो अपने विक्टिम को फर्स्ट एनकाउंटर्स में ही फैटल कर देता है। अपने आप को एशरट्रॉथ की ब्रेथ से बचाने के लिए प्योर सिल्वर से बनी चार्म रिंग को प्रोटेक्शन की तरह यूज किया जाता है, जिसे समनर्स को एशरट्रॉथ से इंटरेक्शन के दौरान पहने रखना होता है। अगर वो ऐसा ना करे तो उसका रिजल्ट डेथ होता है। एशरट्रॉथ के ओरिजिन को लेकर बहुत से डिबेट किए गए हैं, जिसमें उसकी ट्रू फॉर्म और डिफरेंट वेरिएंट्स को लेकर कई सवाल किए गए हैं, पर ज्यादातर रिकॉर्ड्स में उसे डोमिनेंट डीमन की तरह ही डिस्क्राइब किया गया है, जो सिर्फ लोगों के बीच पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए एस्टार्टे की फॉर्म में आ गया, ताकि वो अपनी माइंड मैनिपुलेशन टेक्निक से अपनी अच्छी इमेज क्रिएट कर सके। फिर भी कुछ टेक्स्ट एशरट्रॉथ के काइंड नेचर के कारण उसे गुड डीमंस की कैटेगरी में प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये था एशरट्रॉथ, ग्रेट ड्यूक ऑफ हेल, जिसे हमने अपनी आज की वीडियो में डिस्कस किया और जाना कि कैसे उसने डिमनोलॉजी में गुड और इविल दोनों की तरह पहचान पाई। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।